क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान कहां कहां यात्राएं की थी? आखिर भगवान राम अयोध्या से निकलने के बाद किस किस जगह पर अपना पड़ाव डाले थे और किस रास्ते से होते हुए वो श्रीलंका तक का सफर तय किए थे? दोस्तों, आज मैं आपको भगवान राम द्वारा वन में बिताए हुए 14 सालों का पूरा वृतांत बताने वाला हूँ। कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। पहला पड़ाव तमसा नदी के तट पर। सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट तक पहुंचे। वहां तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई, जो उन्हें अकेले जाने देने को लेकर तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद किए बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला तथा सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कोसल देश की नगरी से बाहर निकल गए। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राजगुह की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुंचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र निषाद राज ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय किया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुरई गांव उतरे। गंगा पार करके श्री राम माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राजगुह के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने मुनि भरद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषाद राजगुह को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया तथा माता सीता व लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था। भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, लेकिन श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुंचेगी। भगवान राम उसके बाद दंडकारण्य अर्थात आज के दंडक वन में प्रस्थान किए। दंडक वन अर्थात आज के हिसाब से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के इलाके। यहां पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनुसुईया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उनका विराट राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया था। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी यानी आज के नासिक शहर का क्षेत्र में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पनखा का नाक लक्ष्मण जी ने काटा था और फिर रावण ने सीता जी का हरण भी यहीं से किया था। पंचवटी का इलाका आज के नासिक के क्षेत्र में पड़ता है। माता सीता की खोज करते हुए श्री राम जटायु से मिले, जो मरणासन में स्थित थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया तथा आगे बढ़ गए। आगे चलते हुए उनकी भेंट कबंध राक्षस से हुई, जिसका उन्होंने वध किया। इसके पश्चात उसने माता सबरी की कुटिया का पता दिया। वहां उन्होंने सबरी के दिए जूठे बैर खाए तथा सबरी ने उन्हें किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया। माता सबरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट
हनुमान, सुग्रीव, जामवंत तथा उनके साथियों से हुई। ऋषिमुख पर्वत आज के कर्नाटका के हम्पी के इलाके में पड़ता है। उसके बाद भगवान राम परसवन गिरी पर्वत पर गए। वर्षा ऋतु के कारण भगवान राम ने 4 मास किष्किंधा के निकट परसवन गिरी पर्वत पर लक्ष्मण के साथ निवास किया, जो आज के मैसूर में है। 4 मास के पश्चात जब माता सीता की खोज आरंभ हुई, तब हनुमान ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला। श्री राम को इसकी सूचना दी गई तथा वे संपूर्ण बानर सेना के साथ रामेश्वरम में पहुंच गए। इस स्थल का नाम भी उन्होंने स्वयं दिया, क्योंकि यहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे उन्होंने राम का ईश्वर बताया, इसलिए इस स्थल का नाम रामेश्वरम पड़ा। वहां से उन्होंने बानर सेना की सहायता से समुद्र पर 100 योजन का पुल बनाया, जो भारत के धनुषकोडी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता था। इसके पश्चात इस राम सेतु की सहायता से भगवान राम वानर सेना के साथ लंका चले गए। उस जगह का नाम नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। अंत में उन्होंने रावण के सभी भाई बंधुओं, योद्धाओं, सेनापतियों समेत उसका विनाश कर दिया था तथा माता सीता को अपने साथ पुष्पक विमान पर बिठाकर अयोध्या लेकर आए थे। तो धन्यवाद दोस्तों, यह था भगवान राम के 14 साल के वनवास जीवन का पूरा वृतांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।